खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मनेंद्रगढ़ विधानसभा के चिरमिरी बड़ा बाजार में दुर्गा पांडाल में आम जनसभा को संबोधित किया। आम जनसभा को संबोधित कर उन्हें प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार प्रदेश को 20 साल पीछे लेकर गई है, साथ ही अपने किए गए वादों से विमुख होकर कार्य कर रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मनेंद्रगढ़ विधानसभा के चिरमिरी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद आम जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपराध से लेकर कोयले के अवैध कारोबार, कबाड़ के अवैध कारोबार और रेत माफियाओं का राज चल रहा है। प्रदेश सरकार की इस ठगी का शिकार प्रदेश की जनता हुई है। जनता जिस उम्मीद से कांग्रेस को प्रदेश के विकास की बागडोर जनता ने सौंपी थी, उससे विपरीत प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा हार से मिलेगा। कलेवर के साथ में मैदान में आई भूपेश सरकार की जो कमी है, खामी है, इसके बिहारी भ्रष्टाचार है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार दिशा विहीन हो गई है, अपने कर्तव्य से विमुख हो गई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शासन नहीं चल रहा है, कुशासन चल रहा है। इसलिए जिस थे को लेकर के हम जाने वाले हैं कि चारों तरफ अंधेरा है और पहरेदार है। सभी लोगों को पक्का मकान दिलाने का वो पूरा नहीं हुआ। आज भी गरीब मजदूर बेघर हैं। मोर आवास मोर अधिकार का कार्यक्रम था, जिसमें हमें लोगों को उन जिन लोगों को ये सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है, उनके उनसे हम चर्चा किए, उनके बारे में जानकारी लिए और कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा आवास मिले।